हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ एंड मस्त होंगे। तो आज है संडे, तो संडे जो है काफ़ी बिजी होता है। आज सुबह 5 बजे से उठ के लगे हुए हैं बस सारे काम करने में, और कुछ काम जो है हो चुके हैं और कुछ अब हो रहे हैं स्टार्ट। तो बस बाहर के काम जो है सारे हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करना है और फिर उसके बाद होंगे अंदर के काम। तो अभी थोड़ा सा जो है हमारे बेल, गेट की जो बेल है वो ख़राब हो गई थी, तो उसको हस्बैंड कर रहे थे अभी सही। तो ये देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ से जो बेल का बटन है वो बाहर लगा दिया है क्योंकि बाहर वाला जो है ख़राब हो चुका था। और बस तो ये देखिए यहाँ का बटन जो है ये लगाया है। तो चलिए देखिए, बेल तो हो चुकी है ठीक, और अब घर को करते हैं हम ठीक थोड़ा सा अंदर। और ये देखिए क्या क्या मैंने लगा लिया है आज, ये देखिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी काम हो चुका है, झाड़ू वगैरह लग गया है, पोछा कपड़े धुल गए हैं। और आज मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जो मेरा फ़ोन है वो चार्ज नहीं था और लाइट चली गई थी। तो बस अभी अब्बे वो रानी देखिए नहा गई है, और ये कह रही कि मेरे थोड़ा सा आगे के बाल काट दो, बेबी कट कर दो थोड़ा सा जो अच्छा लगे। तो बस थोड़ा सा इसके बाल काटती हूँ। तो ये देखिए बेबो के जो कट करना है मुझे, तो मैंने मांग निकाल के थोड़ा सा बाल आगे कर दिए हैं। तो बस इतने ही कट करने हैं और ज़्यादा नहीं करने हैं, इतने ही कट करने हैं मुझे, क्योंकि ज़्यादा ये है मुझे उतना जो है आता भी नहीं है और ख़राब भी हो सकते हैं। तो बस इतना सा ही मैं करूँगी। तो मैंने एक राउंड इनको इस तरह से घुमा लिया है और फिंगर में पकड़ लिया है, और बस अब मैं सीजर से कट कर लूँगी। देखिए मेरा बेटा उसके बाल लेके चले गए अब पूंछ बनाने के लिए, अपनी पूंछ बना रहे हैं। देखिए बाल लेके चले गए, कभी सर में लगा ले है तो बच्चे ना बहुत शैतानी करते हैं, उस समय गुस्सा आता है लेकिन बाद में देख के हंसी आ रही है। और अब आगे थी बेबो की फ्रेंड मिस टीवी, और वो यहाँ पे बैठ चुकी है उसके साथ। और अब बेबो को जल्दबाजी हो रही है कि फटाफट से काटो मम्मा, तो मैंने अच्छे से जो है काट दिए थे, लेकिन उसके बाल जो है सूख रहे थे क्योंकि फ़ैन चल रहा था। तो फिर मैंने हल्का से पानी का स्प्रे मार के फिर थोड़ा सा, और जो है थोड़ा सा लंबे हो चुके हैं वो, तो आँखों में लग सकते हैं। तो बस थोड़ा सा और काटूँगी मैं। तो ये देखिए बेबो का बेबी कट कैसी लग रही है बेबो। अभी फैन है तो उड़ रहे है ये बाल इसके, इसलिए अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कैसी लग रही है? और बस बेबो की बाल कट करने के बाद उसके बाद हमने लंच वगैरह किया, फिर हम लोग सो गए थे। और ये अभी शाम का टाइम है, तो 4 या 5 बज रही थी, मुझे ध्यान नहीं है कितना टाइम हो रहा था। तो मैं बनाने जा रही थी आज थोड़ा सा टिक्की, क्योंकि बच्चों का काफ़ी टाइम से मन था, तो मैंने बनाए नहीं था काफ़ी दिनों से। तो उसके लिए मैंने आलू जो है जो बॉयल आलू हैं वो मैश कर दिए हैं, और जो ये कॉर्नफ्लोर है थोड़ा सा बचा हुआ था, ये ज़्यादा नहीं है कॉर्नफ्लोर, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी पहले, और कुछ मैंने इसमें नहीं डाला है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला है चाट मसाला, और ज़्यादा मसाले जो हैं घर पे नहीं थे, बस जितने भी थे उतने में मैंने बनाया, क्योंकि टिक्की तो टेस्टी होती है और चटनी के साथ। तो बस ये थोड़ा सा नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये हल्दी डाल दिया है, और मिर्च अभी ख़त्म हो गई थी तो हस्बैंड लेने गए थे, तो मिर्च मैंने फिर बाद में डाली इसमें। और बस अब मैंने इसकी लोइयां बना ली हैं गोल गोल, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं, और थोड़ा सा हाथ से चौड़ा करके मैंने अब डाल दिया था तेल गर्म करने के लिए तवे पर। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी इसको टिक्की को,
तो जो मेरे पास पहले नॉन स्टिक तवा था वो मेरा ख़राब हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया था तो फेंक दिया है मैंने उनको, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने से ख़राब भी हो जाते हैं वो। और बस अब यहाँ पे जैसे मैंने एक डाला और उसी तरह से मैं अब दूसरी बना रही हूँ, तीसरी बना रही हूँ उसी तरह से, और तेल थोड़ा सा डाला है मैंने बीच में, तो इसको हिला के साइड में मैं लेके जा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि ज़्यादा एक बार मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा ऑयल डाल के पैन में फ्राई किया था उनको, तो वो सारे फूट गए थे। और बस आज मैं ऐसे सेक रही हूँ इनको, ये देखिए। और मेरे एक साइड अब जो है सिकने के लिए छोड़ दूंगी मैं इनको, जब तक ये अच्छे से ना सिक जाए। और अब देखिए मुझे लग रहा थोड़ा सा सिक चुके हैं, तो मैंने पलटा दिया है इनको हाथ से ही, पलट जाते हैं ये अच्छे से हाथ से अगर अच्छे से बनी हो तो। तो ये देखिए बन रही है मेरी टिक्की, और पसीने से देखिए मेरी हालत हो गई है खराब। तो फटाफट से इनको पकाती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों से। तो देखिए जो भी मेरी ये टिक्की हैं तो ये बन के तैयार हो चुकी हैं, और थोड़ी देर जो है मैं और सिकने दूंगी इनको, ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाए ये। और साइड साइड में जो इनका अभी जो है मुझे लग रहा अच्छे से नहीं पका, तो अच्छे से पक जाएगा साथ साथ में। और दो और टिक्की मैंने इसमें डाल दी है जगह बना के, उनको थोड़ा सा साइड कर दिया है चिपका के। तो इस तरह से बस थोड़ा थोड़ा उनको पलट रही हूँ, जो नीचे वाला पार्ट है वो अच्छे से जो है क्रिस्पी बन जाए, तो टेस्टी होती है फिर टिक्की। और बस ये दो भी पक जाएंगी, और वो मैंने छोड़ दी हैं गैस में अभी। और अब मैं बना रही हूँ उसके लिए ग्रीन चटनी टिक्की के लिए, जैसे दही बल्ले की चटनी होती है उसी तरह से मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को चटनी में ही ज़्यादा पसंद होती है टिक्की। तो ये मैंने पुदीना लिया है, कैरी का है फ्रेश, और हरा धनिया, हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो मेरी चटनी तैयार हो चुकी थी, और इमली की खट्टी मीठी भी मैंने पहले बना के रखती थी। तो ये देखिए मेरी टिक्की मैं अब यहाँ पर लगा रही हूँ बच्चों के लिए प्लेट में। तो अभी मैं जो है इतनी गिन के हमारी बनी, ज़्यादा नहीं बनी थी वो, तीन तीन, हम चार जने हैं तो बस इतनी ही बनी है। तो बस जितनी भी चीज़ें घर में थी उससे ही मैंने बनाए हैं, और मैंने इसमें दही डाल दी है, दही में मैंने चीनी मिला के रखा था पहले से मिक्स करके, और बस हरी चटनी और रेड ये इमली की चटनी अच्छे से मैंने मिला दिए थे। तो बस घर में भी आसानी से बन जाती है, जब मन करे तो बना लो। तो ये मैंने मसाला पीसा था अजवाइन वगैरह का, तो बस वो मैंने ऊपर से छिड़क दिया है, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए दोनों यहाँ पे बाप बेटी दोनों खा रहे हैं, और बेटा चले गया है खेलने के लिए। और बस आज का व्लॉग इतना ही, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।